सो हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह जी की, जिन्होंने अपनी कामयाबी के दम पर कई अवार्ड्स अपने नाम किए और ये आज जिस मुकाम पर हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। वैसे तो अरिजीत सिंह को एज ए सिंगर सब लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें इस मुकाम को हासिल करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब अरिजीत सिंह को एक शो से बाहर कर दिया गया था, हालांकि इनकी आवाज़ शुरू से ही काफ़ी आकर्षित रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं इनके बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर बनने के पूरे सफर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, इनकी इस कहानी की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 1987 को, जब मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल इंडिया में इनका एक सिख परिवार में जन्म हुआ। इनके पिताजी कक्कर सिंह एक सिख और इनकी माता अदिति सिंह एक बंगाली हैं। अगर बात करें इनके एजुकेशन की तो इनकी शुरुआती शिक्षा राजा विजय सिंह हाई स्कूल से हुई और फिर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन श्रीपत सिंह कॉलेज से की। अरिजीत सिंह शुरुआत से ही होनहार छात्र रहे, लेकिन इन्हें बचपन से ही म्यूजिक से ज़्यादा लगाव था। अरिजीत सिंह की फैमिली और रिलेटिव्स में ज़्यादातर लोग म्यूजिक फील्ड से ही बिलोंग करते थे। यही कारण था कि इनके माता पिता ने भी इनका साथ दिया और फिर इन्होंने 3 साल की उम्र से ही अपने मैटरनल अंकल्स हजारी ब्रदर्स से म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जिसमें इन्हें राजेंद्र प्रसाद हजारी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने तबला और बीरेंद्र प्रसाद हजारी ने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सिखाया। और फिर इन्हें 9 साल की उम्र में ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वोकल्स की ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी दी। अब अरिजीत सिंह 18 साल के हो चुके थे और फिर इनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी, जिन्होंने इन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन किया था, उन्होंने कहा कि तुम फेम गुरुकुल रियलिटी शो में जाओ और वहां पर परफॉर्म करो। ये उस समय काफ़ी पॉपुलर शो था। इस शो में जाने का इनका मन तो नहीं था, लेकिन ये गए। इस शो में इन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया, लेकिन ये ऑडियंस की वोटिंग में पीछे रह गए और फिर इस शो से इन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि इन्होंने इस शो में 6ठे नंबर तक परफॉर्म किया था। इस शो में इनके टैलेंट को देखकर शंकर महादेवन और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इनकी काफ़ी तारीफ की और इन्हें काम देने की बात भी कही। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम जा रहे हो, सो आगे चल के बहुत कुछ है, करेंगे हम लोग कुछ साथ। और फिर शंकर महादेवन ने इन्हें अपनी एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल 2 में ऑल फॉर वन आजा नचले सॉन्ग में गाने का मौका दिया, लेकिन इस एल्बम को ऑडियंस का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद इनसे डायरेक्टर संजय लीला भंसानी ने अपनी अपकमिंग मूवी सावरिया के लिए यू शबनमी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, लेकिन बाद में इस फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज हो गई और ये गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। फिर इन्हें टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक कुमार तौरानी ने अपनी एल्बम में साइन कर लिया, लेकिन ये एल्बम भी कभी रिलीज नहीं हुई। अब अरिजीत सिंह पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि एक तो इन्हें सॉन्ग्स मिल नहीं रहे थे और जो मिल रहे थे वो रिलीज नहीं हो रहे थे या फिर फ्लॉप जा रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और फिर इन्होंने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और ये शो ये जीत गए। इस शो में जीतने के बाद इन्हें 10 लाख प्राइज मनी मिली, जिससे इन्होंने मुंबई सिटी के लोखंडवाला इलाके में एक रूम रेंट पर लिया और अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू किया, जहां पर इन्होंने एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज चैनल्स और रेडियो स्टेशंस के लिए म्यूजिक कंपोज करने और गाने शुरू किए। इसके साथ ही ये शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मिथुन, मोंटी शर्मा और प्रीतम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर और म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने लगे। यहाँ पर इन्होंने म्यूजिक की बारीकियों को सीखा और खुद को इम्प्रूव किया। अब अरिजीत सिंह बॉलीवुड में अपनी थोड़ी बहुत पहचान तो बना ही चुके थे और फिर 2010 में इन्होंने गोलमाल 3, क्रूक और एक्शन रिप्ले और एक तेलुगु फिल्म केडी के निवेना निवेना सॉन्ग्स में स्क्रेचेस गाए। दोस्तों, स्क्रेचेस क्या होते हैं ये हम पहले ही जुबिन नौटियाल की वीडियो में आपको बता चुके हैं।
आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनकी बायोग्राफी में देख सकते हैं। दोस्तों अब साल 2011 चल रहा था और यही वो साल था जब अरिजीत सिंह ने मर्डर 2 फिल्म के जरिए बॉलीवुड में म्यूजिकल डेब्यू किया। इस फिल्म में इन्होंने फिर मोहब्बत सॉन्ग गाया था। ये सॉन्ग हिट रहा। इसके बाद इन्होंने एजेंट, विनोद, प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी जैसी फिल्मों के लिए कई सॉन्ग्स किए और 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म के लिए भी उसका ही बनाना सॉन्ग्स गाया। इसके बाद इन्होंने 2012 में संगाई फिल्म में दुआ सॉन्ग गाया। ये सॉन्ग सुपरहिट रहा और इसके लिए इन्होंने मिर्ची म्यूजिकल अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी जीता और इसी साल इनका बर्फी फिल्म के सॉन्ग फिर ले आए दिल के लिए इसी अवार्ड्स का नॉमिनेशन भी किया गया। लेकिन अभी भी इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसके ये शायद हकदार थे। और फिर इन्हें असली सफलता मिली तो 2013 की फिल्म आशिकी 2 से, जिसमें इन्होंने तुम ही हो और चाहूं मैं याना 2 सॉन्ग्स गाए थे, जिसमें से इनका तुम ही हो सॉन्ग ब्लॉकबस्टर रहा था। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। इस सॉन्ग के लिए इन्होंने सेवरल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। और फिर यहीं से अरिजीत सिंह जी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए और इनकी सक्सेस और अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर इसके बाद तो इन्होंने कबीरा, इलाही, कभी जो बादल बरसे, यारियां, सनम रे, ए दिल है मुश्किल, फिर भी तुमको चाहूंगा, वे माही और शायद जैसे कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स किए। दोस्तों अरिजीत सिंह जी अब तक 700 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं और इन्होंने एक दिन में 15-16 सॉन्ग्स भी किए हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो इन्होंने 2 शादियाँ की हैं। अरिजीत सिंह की पहली शादी इनकी रियलिटी शो की को कंटेस्टेंट रूपरेखा बनर्जी के साथ हुई थी। ये दोनों शो के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे, देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली। लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और इन दोनों में तलाक हो गया। फिर 2014 में इन्होंने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी कर ली। कोयल का भी तलाक हो चुका था और इनके पहले पति से एक बच्चा भी था। अब अरिजीत सिंह के 2 बच्चे हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये थी द ग्रेट सिंगर अरिजीत सिंह जी की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी, जिसमें आपने अरिजीत सिंह जी की पूरी लाइफ के बारे में जाना। हमें आशा है कि आपको इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।